Hey guys, welcome to Eva Learning Point. आज के इस वीडियो में आपके CTET exam 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट गणित यानी मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 4 देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में टोटल 15 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी मैंने इंक्लूड किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है कि फलों के मूल्य प्रति किलोग्राम नीचे दिए गए हैं, यानी खरबूजा, चेरी, अंगूर, सेब, इन सभी के जो मूल्य हैं यहाँ पर आपको दे दिए गए हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन बोल रहा है कि रेशमा ने 4.5 किलोग्राम खरबूजा, 1 किलोग्राम 200 ग्राम चेरी यानी 1 किलोग्राम प्लस 200 ग्राम चेरी, 250 ग्राम अंगूर और 1/3 किलोग्राम सेब खरीदे हैं, तो उसने दुकानदार को 500 का एक नोट दिया, तो उसने कितने रुपए टोटल मिले, यानी उसने जब 500 रुपए का नोट दिया तो दुकानदार ने उसे वापस कितने रुपए दिए। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको इस क्वेश्चन में आप सॉल्व करिए फिर, क्योंकि मॉक टेस्ट है तो इसमें आपको मैं सॉल्यूशन थोड़ा कम बताऊंगी और इससे रिलेटेड जितने भी आपको प्रॉब्लम्स होंगे, डाउट्स होंगे, आप सभी को पता है मैं कल की क्लास में यानी वेडनेसडे की क्लास में आपको क्लियर करती हूँ आपके सारे डाउट्स। तो जो भी अगर आपको क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि सिंपल भी क्वेश्चन है तब भी आप उसे बताइए, क्योंकि मैं अगर आप एक क्वेश्चन को 2 बार 10 बार भी पूछेंगे तो मैं आपको 10 बार भी समझाऊंगी। तो आप आराम से कमेंट कर सकते हैं और आपका कोई भी क्वेश्चन, ईमेल आईडी मैं आपको लास्ट में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ लिंक से आप ईमेल आईडी पे जाकर अपना क्वेश्चन सेंड भी कर सकते हैं जो आपको कल पूछना हो। तो यार, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करना है, जो लोग इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाए, देखिए 1 किलोग्राम का खरबूजे का अगर मूल दिया हुआ है तो हम 4.5 किलोग्राम का निकाल सकते हैं और चेरी का 72 रुपये किलो की पड़ती है, तो अगर 1 किलोग्राम 200 ग्राम यानी 1 किलोग्राम को अगर हम ग्राम में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 1000 ग्राम और इस ग्राम 200 भी है यानी टोटल 1200 ग्राम हो जाएगा। या आप ऐसे कह सकते हैं इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, नॉर्मली हम ये कह सकते हैं अगर 1000 ग्राम जो हमारी चेरी है मिलती 72 रुपये की, तो 1200 ग्राम चेरी कितने की मिलेगी, इन 1200 × 72 / 1000 कर देंगे। तो इस तरह आपको सभी तरह के मूल्य निकाल लेने, जब टोटल मूल्य निकल आएंगे उसे आप 500 से घटाकर आंसर निकाल लेंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन में 113 आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि साबुन की एक टिकिया का आकार 7 cm × 5 cm × 2.5 cm है, तो पेटियों में जिनकी आंतरिक माप 56 cm × 0.4 m × 0.25 m है, तो साबुन की इन टिकियों की अधिकतम संख्या पैक की जा सकती है। इस टाइप क्वेश्चन मैंने आपको बहुत कंप्लीट कराया है, जब मैंने आपको मैथ्स में मेंस्ट्रुएशन का 2nd कराया, साथ ही जितनी मैं डाउट क्लास कराई उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों ने पूछे थे, तो मैंने आपको क्लियर भी किए हैं इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस। तो क्या राइट आंसर है उसको सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए आंतरिक माप में सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जैसे अगर मीटर, सेंटीमीटर, लीटर, मिलीलीटर, मैंने आपको क्या बताया, आप सबसे पहले एक माप में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि अगर देखिए ये 56 cm तो दिया है, लेकिन यहाँ देखें तो ये जो 0.4 m दिया हुआ है और यहाँ देखें तो ये भी मीटर, तो इस मीटर मीटर को भी आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, यानी मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट करने का मतलब 100 का मल्टीप्लाई, यानी अगर हम जो पेटी की आंतरिक माप की निकालें तो क्या होगी, 56 cm × 0.4 m यानी 0.4 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 40 cm और 0.25 को जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25, इतना हो जाएगा। अब बोला जा रहा है इस आकार के, देखिए सिर्फ आप इसमें 7 × 5 × 2.5 का भाग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक पेटी के बाद नहीं, यहाँ पर 2 पेटी यानी इसी माप की 2 पेटी, एक ये हो गई 2 कर देंगे तो 2 पेटी की माप आ जाएगी, इसमें हमें किसका भाग देना है, 7 × 5 × 2.5 का भाग दे देना है। तो हमारा राइट आंसर क्या निकलेगा, हमारा 2nd का राइट आंसर इस तरह से हो जाएगा ऑप्शन बी, 1280 टिकियों की माप यानी अधिकतम संख्या जो 1280 टिकियाँ हैं रखी जा सकती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको क्वेश्चन अभी भी नहीं समझ में आया तब कमेंट करके बता दीजिएगा, कल के डॉक क्लास में आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन इस टाइप के सीटेट बहुत बार पूछता है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3 गुना है, इसकी चौड़ाई एक वर्ग की भुजा का आधा है, तो जिसका परिमाप 72 cm है, ठीक है, वर्ग का जो परिमाप है 72 cm है। अब आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं,
तो इन चारों ऑप्शंस में क्या चीज़ सही होगी? तो सबसे पहले तो आपका काम यही होगा कि आप आयत वर्ग इनकी जो भुजाएं हैं लंबाई चौड़ाई अगर वर्ग का परिमाप दिया हुआ है तो आप वर्ग की भुजा निकाल लीजिए। जब आपकी वर्ग की भुजा निकाल आएगी, क्योंकि वर्ग की भुजा का आधा ही आयत की चौड़ाई है, तो जब आप भुजा निकाल लेंगे तो आप आयत की चौड़ाई निकाल पाएंगे। अगर आपके आयत की चौड़ाई निकाल आएगी तो लंबाई निकालें, क्योंकि लंबाई जो उसकी चौड़ाई का 3 गुना है। और जिस तरह से आपकी आयत की लंबाई चौड़ाई और वर्ग की भुजा निकालेंगे तो आप इसके ऑप्शन बहुत आसानी से दे पाएंगे। तो आपने अब तक इसका सॉल्यूशन निकाल लिया होगा, सारे ऑप्शंस पढ़ लीजिए क्या आपका अप्लाई हो रहा है आपके डेटा के अकॉर्डिंग जो आपने निकाले अभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी आयत और वर्ग दोनों के परिमाप जो है बराबर। अब चलिए मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करके मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि बोला जा रहा है कि वर्ग का जो परिमाप है, वर्ग का परिमाप दिया है 72, वर्ग की जो भुजा का जो 4 गुना होता है यानी a = n/4 कर दे, तो हम निकाल सकते हैं यहाँ पर वर्ग की भुजा, तो वर्ग की भुजा हो जाएगी 18। अगर वर्ग की भुजा 18 है तो ये क्वेश्चन में कहा गया है कि आयत की जो चौड़ाई है वर्ग की भुजा की आधी है। तो इस तरह से जो हमारा वर्ग की भुजा तो हमने निकाल लिया 18, आयत की चौड़ाई कितनी हो जाएगी इसकी आधी यानी हो जाएगी 9, और लंबाई बोला जा रहा है कि लंबाई जो है आयत की चौड़ाई की 3 गुना यानी 9 × 3 कर, तो हमारी लंबाई निकाला आयत की 27। इस तरह से हमने क्या किया, हमने अब वर्ग की भुजा भी निकाल ली, हमने लंबाई ने आयत की चौड़ाई भी निकाली और आयत की लंबाई भी निकाल ली। अब अगर हम देखिए वर्ग का जो परिमाप तो हमें 72 दिया हुआ है, ठीक है क्वेश्चन में ही था, वैसे भी 18 × 4 करेंगे 72 आ जाएगा। अगर हम आयत का परिमाप निकालें तो आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप होता है 2 × l + b यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी 27, चौड़ाई है 9, दोनों के ऐड क्या हो जाएगा हमारा 36, और 36 × हो जाएगा 2 यानी आ जाएगा 72। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर हम वर्ग और आयत दोनों के जो परिमाप इक्वल हैं तो इस तरह से हमारा ऑप्शन यहाँ पर बी जो है वो सही हो जाता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। आपके चारों ऑप्शन से इस क्वेश्चन, इस टाइप में जो क्वेश्चन होता है सीधे लगभग हर बार पूछता है, तो आपको यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है ध्यान से पढ़ने होंगे कि ये इक्वल में है या नहीं है, कि जो बात की जा रही है सही है या नहीं है। ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगर आप डी की बात करें तो डी में बोला जा रहा है 10 का शतांश। 10 का शतांश का मतलब क्या हुआ, यानी 10 का जो है 1/100 कर दिया जाए। 10 का अगर हम 1/100 करेंगे कितना आएगा, 10 का अगर हम 1/100 कर दिए जाए यानी 1/100 भाग, या शतांश का मतलब होता है 100वां भाग, तो 10 × जब 100 करेंगे कितना आ जाएगा हमारा 1/10 ही बचेगा, यानी 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1/10 का मतलब हमारा 0.1 आ जाएगा। तो डी तो हमारा ऑप्शन सही बता रहा है, यानी डी जो है वो सही है। अगर सी ऑप्शन बोला जा रहा है किसी घनाभ का आयतन जो है आयतन जिसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, चौड़ाई 15 और ऊंचाई 40 है, ठीक है बराबर है, मतलब घनाभ का जो आयतन है इसकी लंबाई सब चीजें जैसे हैं, तो ये बराबर जो है उस घन के आयतन के जिसकी भुजा 0.3 मीटर है। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, इसको भी आप सॉल्व करके देख लीजिए। देखिए क्या होता है, जब चारों ऑप्शंस हो तो ऐसे क्वेश्चन में और सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि हम उसमें ये चूज कर ले कि जो छोटे छोटे पहले आप उनको सॉल्व कर लीजिए। देखिए अगर आप क्वेश्चन सी को सॉल्व करने बैठे ना, कम से कम आपको यहाँ पर 1 से 2 मिनट सॉल्व करने में लगेगा, लेकिन अगर आप इसे और भी ऑप्शन पढ़े तो आपको कम से कम इतना तो पता चल जाए कि ये नहीं है ये नहीं है, तो आप क्लियर हो जाएंगे। अगर आप देखिए ऑप्शन ए को पढ़िए तो इसमें बोला जा रहा है 55 लीटर और 55 मिलीलीटर, यानी जब भी मैं क्या करती हूँ अभी 2 तरह के हो आपको एक में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ पर लीटर के लिए पूछ रहा है तो 55 लीटर बना रहने दीजिए, 55 मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। लीटर 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। आप यहाँ अब क्या करिए, 1 लीटर में आप 1000 का भाग दे दीजिए। 1 लीटर में जब 1000 का भाग देंगे, सॉरी 55 जो हमारा मिलीलीटर है इसमें जब हम 1000 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1000 से भाग देने पर हमारा 0.55 आ जाएगा, और जब ये वैल्यू आप इसे 55 से जोड़ दीजिए तो हमारा जो 55.55 है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो इससे 4th का ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता है। और जब आपने देखिए यहाँ पर पहले ही आपको अगर आप सोचते हैं सी सॉल्व कर ले बी सॉल्व कर ले तो हो जाता है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है,
बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी आयत की लंबाई 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना। देखिए फिर से इस टाइप क्वेश्चन आ गया, इसीलिए मैंने आपको मैथ्स में सबसे पहले मेंसुरेशन पढ़ाना स्टार्ट किया था ताकि आप इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सके। आप खुद देख रहे होंगे कि सीटेट जो है अधिकांश अगर क्वेश्चन पूछे, चाहे वो जूनियर का एग्जाम हो चाहे वो आपके प्राइमरी का मैथ्स का हो, तो उसमें इस टाइप के जो मेंसुरेशन के क्वेश्चन है आयत वर्ग इससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और आपके त्रिभुज समरण जो इससे थोड़े क्वेश्चन आते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी आयत की लंबाई जो है 80 सेंटीमीटर परिमाप वाले एक वर्ग की भुजा का दोगुना है, ठीक है। यदि आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल वर्ग मतलब वर्ग में बोला जा रहा है, तो वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है, तो कैसे आप सॉल्व करेंगे? यहां पर भी सेम वही चीज, आपको सारी चीजें निकालनी पड़ेंगी। आपको वर्ग की भुजा निकालनी पड़ेगी, आयत की लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है, यहाँ आयत की चौड़ाई तो दी हुई है, तो क्या सॉल्व करेंगे? आयत की लंबाई हमें नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ हमें वर्ग की भुजा दी, वर्ग का परिमाप दिया, सेम वही क्वेश्चन जो आपको अभी करवाया था। फटाफट से सॉल्व करिए। आपने इसका सॉल्व कर लिया होगा, वर्ग का परिमाप दिया होगा, आप वर्ग की सबसे पहले भुजा निकाल लेंगे, जब वर्ग की भुजा निकालेंगे तो वर्ग का आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसको आप साइड में कर लीजिए, ठीक है। मैं आपको बता दी, आप इसको ऐसे एज फॉलो मतलब सॉल्व करते रहिए। जब आपका वर्ग की भुजा निकल आए, अब बोला जा रहा है आयत की जो लंबाई वर्ग की भुजा का दो गुना है, तो जब आयत की जब आपके वर्ग की भुजा निकल आए तो उसका दो गुना कर दीजिए, जो कि आपकी आयत की लंबाई हो जाएगी। आयत की चौड़ाई ऑलरेडी दी हुई है, चौड़ाई गुणी लंबाई करके आप आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और फिर बोला जा रहा है आयत का क्षेत्रफल वर्ग क्षेत्रफल कितना अधिक है, दोनों का डिफरेंस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 400 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 कि हारून एक फल की दुकान पर गया, उसने 1.5 दर्जन केले 2.5 रुपये प्रति केला की दर से, ठीक है। ध्यान से पढ़िएगा इसका आपके क्वेश्चन, देखो पॉइंट पॉइंट्स में थोड़ा कैलकुलेशन हल्का सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से करने की जरूरत है। और आप इस क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा कि आपको हाँ आता आप सॉल्व नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन भले वो एक जैसा हो, बहुत ही सिंपल सा हो, ठीक है, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे ना आपका जो सॉल्व करने का जो टाइम होगा ना हर बार घटेगा। जैसे कि आपने एक टाइप का क्वेश्चन पहले सॉल्व किया तो आपको एक मिनट लगा, लेकिन आप सेम उसे जब ये क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे तो आपको एक मिनट में आपको उससे कम लगेगा, उससे कम लगेगा। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हाथ पेन मतलब पेन नहीं चलाना पड़ेगा और आप सिर्फ मन में कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे। तो ये कैसे आता है? अब कोई भी व्यक्ति जो होता है कैलकुलेशन जो होता है सिर्फ अपने आप से नहीं उसके अंदर अच्छा हो जाता है, वो प्रैक्टिस करते दिन ब दिन प्रैक्टिस करते करते उसका कैलकुलेशन अच्छा होता है। तो आप इसे सॉल्व करिए, क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करके पढ़ लीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, किसमें भी सामान खरीदा जा रहा है, फल विक्रेता को रुपए दिए जा रहे हैं, तो वो फल विक्रेता से वापस कितना देगा या उस लड़के को हारून को कितने वापस मिलेंगे, तो क्या राइट आंसर होगा 6 का? थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा, इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम भी दे रही हूँ ताकि आप इसे आराम से सॉल्व कर पाए। तो 6 का ऑप्शन आपका यहाँ सही जाता है, ऑप्शन डी, यानी 50 रुपये और 30 पैसे आपका राइट आंसर आ जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको थोड़ा सा फास्ट लग रहा हो तो आप पॉज करके वीडियो को फिर अपना क्वेश्चन सॉल्व करके और फिर आंसर मैच कर सकते हैं, और अपना स्कोर सभी को बताना है, ठीक है, कोई भी भूलेगा नहीं। बहुत सारे लोग देख के लाइक करके सब चले जाते हैं लेकिन अपना स्कोर नहीं बताते। आपके 5 मार्क्स भी आएगा, 5 मार्क्स भी बताएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की, यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तब लाभ प्रतिशत कितना होगा? सॉल्व करिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हैं। मैं तो अनुपात विधि से काफी कंफर्टेबल रहती हूँ कि इससे काफी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। आपने सॉल्व कर लिया होगा शायद, ठीक है, तब तो मैं आपको सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ, और जो लोग क्वेश्चंस लगा रहे होंगे वो अपने जल्दी से करके आंसर मैच कर लीजिएगा, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? इसमें बोला जा रहा है यदि विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए, ठीक है, हम सबसे पहले मान लें कि विक्रय मूल्य यानी हम इसे SP माने यानी सेल प्राइस जैसे बोलते हैं, तो हमारा क्या विक्रय मूल्य जो है बोला
मान लीजिए हमारा 100 रुपये था, ठीक है, और पहले पहले की बात हो रही है, और तब हमारा प्रॉफिट यानी पी से डिनोट कर रहे हैं, तो ये क्या एक्स था। तो अगर हम जो हमारे विक्रय मूल्य 100 है, हमारा प्रॉफिट एक्स है, तो अगर हम क्रय मूल्य निकालें तो क्रय मूल्य यानी सीपी कितना निकलेगा, 100 माइनस एक्स, ये हमारा कितना निकलेगा, ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, ठीक है। तो इस तरह से क्या अगर हम देखें तो हमारा क्रय मूल्य यहाँ पे क्या निकला, हमारा क्रय मूल्य निकल रहा है 100 माइनस एक्स। अब मूल क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर हम विक्रय मूल्य को दोगुना कर दें, विक्रय मूल्य हमारा क्या हमने माना था 100 माना था, यानी अब की बार क्या करें हम विक्रय मूल्य को 200 कर दें, और साथ ही जो हमारा लाभ है वो लाभ जो हमारा 3 गुना, पहले लाभ कितना था एक्स, अब हमारा लाभ कितना हो जाए 3x। अगर अब हम क्रय मूल्य निकालें तो कितना निकलेगा, इस कंडीशन में क्रय मूल्य वही चीज़ हमें करना है, यानी विक्रय मूल्य माइनस हमें लाभ कर देंगे तो हमारा क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी 200 माइनस 3 है 3x। लेकिन अगर आप ये देखिए, देखो ये भी हमारा सीपी है, लेकिन अब अगर आप खुद सोचिए जो हमारा सीपी होगा हर कंडीशन में सेम ही तो होगा, यानी अगर हम जैसे मान लीजिए कि आप कोई पेन 10 रुपये में लेकर आए, ठीक है, अब क्या किया आपने, आपने नहीं मान लीजिए आप मान लीजिए आप 10 पेन खरीद कर लाए 10 रुपये के, ठीक है, आपने क्या किया कि आपने सभी पेनों को 12-12 रुपये के हिसाब से बेच दिए, तो फिर एक बार आपने क्या किया, फिर आप गए 10 वही सेम पेन खरीद के ला रहे हैं उतने ही रुपए के, ठीक है, 10 रुपए के फिर से आप लेकर आए, और आपने अब के बार क्या किया उन्हीं 10 पेनों को आपने 15 रुपए के हिसाब से बेच दिए, तो आप क्या देख रहे हैं 10 का जो मूल्य था जितने वो खरीद के लाए वो तो सेम ही थे ना, बस उसका विक्रय मूल्य चेंज हो रहा था और विक्रय मूल्य के हिसाब से उसका लाभ भी चेंज हो रहा था। तो इससे हमने क्या समझा, इससे तो जो दोनों सीपी होंगे यानी 100 माइनस एक्स और दूसरा हमारा सीपी कितना निकला था 200 माइनस 3, दोनों इक्वल होंगे। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे ये तो इसको तो सॉल्व करना आपको बहुत ही आसान हो, जब सॉल्व करेंगे तो आपके एक्स की वैल्यू आ जाएगी 50, यानी लाभ हमारा निकलेगा 50। अब यदि हमारा जो लाभ है वो हमारा 50 निकलता है, क्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो कितना निकलेगा, अभी हमने देखा क्रय मूल्य का फॉर्मूला कई सारे निकाले थे, आप या तो 200 माइनस 3x में वैल्यू निकाल दीजिए क्रय मूल्य की, या फिर 100 माइनस एक्स में। मान लीजिए हम 100 माइनस एक्स जो हमारा क्रय मूल्य अभी था ना, इसे हम एक्स की वैल्यू जो है उसको रख दें, तो हमारा सीपी यानी क्रय मूल्य कितना निकलेगा, हमारा क्रय मूल्य एक्स ही निकल आएगा। अब क्रय मूल्य हमारा कितना निकला, यानी एक्स का मतलब हमारा 50 हो जाएगा, तो हमारा देखिए लाभ हमारा 50, ठीक है, हमारा क्रय मूल्य कितना निकला, ये भी हमारा 50। अब हमें बोला है लाभ प्रतिशत की बात की जा रही है, लाभ प्रतिशत कितना निकलेगा, लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ हमें 50, क्रय मूल्य भी हमारा 50, गुणे हमने किया 100, तो हमारा कितना निकलेगा, हमारा टोटल 50 से 50 कैंसिल हो जाएगी, टोटल 100%, यानी हमें लाभ कितना, टोटल 100% का लाभ हुआ। तो इस तरह से हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 100। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला जा रहा है कि संलग्न चित्र में कोण का मान, देखिए यहाँ पे पूछ रहे, यहाँ पे कोण जो ए है इसको पूछा जा रहा है कि कोण ए का मान क्या होगा। सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को फटाफट, हमें कोण ए को सॉल्व निकालना है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं आपको चलिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सॉल्व करना बताती हूँ, जो लोग सॉल्व करें अपना सॉल्व करिए। देखिए करेंगे क्या, आप सबसे पहले काम करिए, हमने मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, ठीक है, हम क्या करें जो हमारे त्रिभुज ओ बी सी दिख रहा है इस त्रिभुज में, देखिए इस त्रिभुज में अगर हम देखें तो देखिए किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जो हमारे 108 डिग्री इक्वल टू कितना होगा, 180 के बराबर होगा। तो यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 108 को हमने 180 से घटाया तो कितना निकला, तो हमारा x प्लस वाई की वैल्यू कितनी निकल आएगी, तो सिर्फ से हमारे x प्लस वाई की वैल्यू निकल आएगी 72, क्योंकि 180 में 108 को घटाया। अब यदि x प्लस वाई में इक्वल टू 72 आ गया है, अब हम क्या करते हैं जो हमारा त्रिभुज है ये पूरा ए बी सी वाला, देखें अगर हम इस ए बी सी वाले में देखें तो हम ये कह सकते हैं ये भी x है, ये भी हमारा x है, ये y है और ये वाला भी हमारा y है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2x प्लस 2y प्लस ये जो कोण हमारा a है प्लस कोण a इक्वल टू 180, अब इससे त्रिभुज के लिए 180 हो जाएगा, यहाँ से 2 को कॉमन ले, x प्लस वाई प्लस a इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करें, x प्लस वाई को अभी हमने सॉल्व किया था, आया था हमारा कितना आया था 72 आया था, 72 का 2 गुना करेंगे कितना आ जाएगा 144 हो जाएगा, और जब हम
180 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना निकल आएगा, हमारा आंसर 36 डिग्री आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त के जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, वृत्त का सबसे सिंपल क्वेश्चन, वृत्त का इससे सिंपल हो ही नहीं सकता। तो कैसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं आपको यहाँ फिगर बना देती हूँ। यहाँ एक वृत्त की बात की जा रही है, ठीक है, वृत्त के जो है त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर की है। वृत्त की जीवा से हमने एक वृत्त की जीवा मान ली, ये हमारा केंद्र है, केंद्र से जो वृत्त की जीवा के बीच की लंबाई कितनी हमारी 6 दी हुई है, त्रिज्या कितनी, त्रिज्या हमारी जो है हमारी दे दी गई है 10। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है ये जो हमारी जीवा है, यानी अगर हम ए मान लें इसको, बी मान लें, इस जीवा की लंबाई की बात की जा रही है। उसे क्वेश्चन आप बहुत आसानी से कर लेंगे, केंद्र को हम अगर ओ मान लें तो क्या करेंगे, तो सब क्वेश्चन में आप क्या करते हैं, अगर देखिए एक चीज याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया, जो कोई भी अगर जीवा को मिलाते हैं ना, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा को मिलाने वाली रेखा या ये जीवा पर डाला गया लंब, जीवा पर डाला गया कुछ भी, अगर हम लंब डाल रहे हैं तो लंब का मतलब ही हो गया 90 डिग्री, तो अगर ये हमारा 90 डिग्री तो हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे इसमें, यानी अगर ये हमारा 10 है ये हमारा है 6, तो इतना हमारा भाग निकाल सकते हैं ना। देखिए मैं अलग से इसका फिगर बना देती हूँ, यानी ये हमारा अगर वृत्त ओ है केंद्र, ये हमारा ए था, हमने बीच का जो मिडिल पॉइंट था हमने इसको मान लिया सी, ये हमारा 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा 10 जो त्रिज्या बनी हुई थी और ये हमारी 6। तो अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय इक्वल टू होता है कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर के इक्वल टू 6 का स्क्वायर प्लस हमने एसी का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 6 6 36, और 36 बने 100 में, 10 का जब स्क्वायर करेंगे 100 तो, और 100 में जब हम 36 को घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 64, यानी एसी के एसी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा आ जाएगा 64, यानी एसी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 8। अगर एसी की वैल्यू 8 है, एक चीज याद रखिएगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया जो लंब होता है वो जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी अगर इसकी लंबाई एसी है तो हमारा जो जो वृत्त हमारा बन रहा था तो ये वाला जो भाग था इसकी लंबाई भी हमारी 8 होगी, यानी 8 8 16, तो इस तरह से हमारा आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 16 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आप में से किसी क्वेश्चन समझ में आए कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि कल की क्लास में आपको अच्छे से बहुत ही आराम से आपको क्लियर कर दूंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 10, अब देखिए फिर से एक हमारा ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया कि दिए गए चित्र में कोण क्यू ओ आर, यानी हमारे ये जो कोण है, ये वाला जो कोण है ये हमारा दिया हुआ 3x, ठीक है, फिर हमारी बात की जा रही है जो हमारा कोण पी ओ आर है ये हमारा 2x + 10 डिग्री है, यानी ये वाला जो दिया है हमारा 2x + 10 डिग्री, तो x का मान कितना क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एक तरह से आप देखिए 8th क्लास के 8th लेवल तक के क्वेश्चन है, 7th 8th क्लास में पढ़ाए जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो क्या करेंगे इस टाइप क्वेश्चन में, देखिए सिंपल से क्या है कि हमारे किसी भी रेखा पर जो बना कोण होता है 180 डिग्री होता है, इतना कोण हमारा दिया हुआ है 2x + 10 डिग्री, इतना कोण हमारा दिया हुआ है 3x, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस इस 2x + 10 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 के, बस कुछ नहीं, x की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए, जब आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी 34 डिग्री निकल आएगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी संख्या को 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या होगी। ये क्वेश्चन भी आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। किसी संख्या का 60% हमें पहले करना है, मान लें कोई संख्या हमारी x है, उसका हम क्या करें, उसका हम 60% कर दें, 60/100 कर दें, और जब ये वैल्यू निकला इसका हम 3/5 भाग, फिर 3/5 भाग, और 3/5 भाग जो बोला जा रहा है क्या है, वो है हमारा 36। अब बस क्या करना, आपको सॉल्व करना है इस पूरी वैल्यू, जब आप सॉल्व करें तो आपका क्या राइट आंसर होगा, आपने सॉल्व कर लिया होगा अब तक, तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, यानी 100 हमारे वो संख्या जो कि 100 आ जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ।
क्वेश्चन में टल में कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनके आयु वर्ग 8 से 9 वर्ष है तो निम्नलिखित में से किस समुच्चय में वो प्रवीण होंगे। आपके पैडागॉजिकल क्वेश्चन, क्योंकि आज के वीडियो में पैडागॉजिकल क्वेश्चन नहीं आए, अब आपके कुछ पैडागॉजिकल क्वेश्चन भी मैं करा देती हूँ। आपके ऑप्शन है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण प्रतिवर्तता, बी वर्गीकरण प्रतिवर्तता अनुपातिक विवेचन, सी पंक्तिबद्धता प्रतिवर्तता अनुपातिक विवेचन, या फिर डी पंक्तिबद्धता वर्गीकरण अनुपातिक विवेचन। चार ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिए और ये भी देख लीजिए कि आयु वर्ग कितनी कही जा रही है, 8 से 9 वर्ष बोली जा रही है, प्राथमिक कक्षा के बालक हैं, उन्हें संख्याओं के संदर्भ में चीज़ें पढ़ानी है। तो इस टाइप के जो बच्चे होंगे वो किस चीज़ में प्रवीण होंगे, कुशल होंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना निकल आता है, हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी जो 8 से 9 वर्ष के जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों के अंदर पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तता, ये तीनों जो हैं, इन तीनों चीज़ों को में वो प्रवीण हो जाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। फिर एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपका फिर से एक मेंसुरेशन क्वेश्चन, आपके सीटेड वाले या तो आपसे देखिए तीन चार टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तीन चार टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। एक टॉपिक हो जाता है आपका नंबर सिस्टम, दूसरा टॉपिक हो जाता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा टॉपिक हो जाता है आपका मेंसुरेशन, चौथा टॉपिक हो जाता है आपकी ज्योमेट्री यानी ज्यामिति हो जाती है। इस तरह से ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं आपके बस इन्हीं में से आ जाते हैं, बाकी आपके पैडागॉजी 15 मार्क्स की दे दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 कहा जा रहा है कि पानी की टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है, जिसमें से 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा गया है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप इसे, इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसका मैं फिगर समझा देती हूँ, ठीक है, ये कैसे करेंगे आप, वो टंकी 9 मीटर की ऊंची थी है ना, लेकिन इसमें केवल 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। हम एक टंकी बना दें, उस टंकी की ऊंचाई कितनी, उस टंकी की ऊंचाई केवल 9 मीटर है, लेकिन उसमें से 6 मीटर तक वो पानी भरा, यहाँ तक पानी भरा है, ये लंबाई कितनी हमारी 6, तो कितनी हमारी खाली है, हमारी केवल 3 भाग खाली है ना। तो बोला जाए टंकी का कितना भाग, यानी टंकी का कितना आयतन की बात हो रही खाली, तो अगर हम पूरा आयतन निकालें, यानी पूरी टंकी का आयतन कितना निकलेगा, पूरी टंकी का आयतन 11 × 10 × 9 हो जाएगा, और अगर हम निकालें कितना भाग खाली, तो खाली वाले का भाग कितना निकलेगा, उसका हमारा 11 × 10 × 3 निकल आएगा, और 11 × 10 × 3 का हम भाग दे देंगे 11 × 10 × 9 में से, तो हमारा टंकी का जितना भाग खाली है वो उतना भाग निकल आएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन कितना आएगा, सॉल्व करिए फटाफट, मैंने आपको समझा भी दिया, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 1/3 आ जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप सभी लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। फिर एक क्वेश्चन नंबर 14 कि एक आयत और वर्ग के परिमाप बराबर है, ठीक है, देखिए फिर से घुमा फरा कर इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, आज आप परेशान हो जाएंगे इस मेंसुरेशन सॉल्व करके। वर्ग का परिमाप 96 सेंटीमीटर है और आयत की चौड़ाई वर्ग की भुजा से 4 सेंटीमीटर कम है, तब आयत के क्षेत्रफल का दोगुना किसके बराबर होगा। आपके एग्जाम तक मैं इस टाइप के क्वेश्चन की आपकी पूरी प्रैक्टिस करवा दूंगी, ताकि एग्जाम में अभी आपको प्रॉब्लम हो वो चलेगा, क्योंकि मैं आपको क्लियर कर दूंगी, यानी आपके डाउट क्लास में आपको सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी, लेकिन एग्जाम में आपको डाउट्स नहीं होने चाहिए है ना। तो सॉल्व इस टाइप के क्वेश्चन को फटाफट स्पीड में करिए, एक्यूरेसी के साथ करिए, फोकस होके करिए। सॉल्व कर लिया होगा आपने अब तक, मीटर सेंटीमीटर का भी ध्यान रखिएगा, ऐसा तो नहीं कहीं दो यूनिट्स में दो मात्रकों में दिया हो। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप क्या राइट आंसर आएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन डी 1120 सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 पैडागॉजी से है कि गणित में प्रतिचित्रण के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन ए प्रतिचित्रण गणित के कई विषयों से समाकलन किया जा सकता है, प्रतिचित्रण स्थानीय चिंतन को बढ़ाता है, प्रतिचित्रण अनुपातीय विवेचन को प्रोत्साहित करता है, या फिर प्रतिचित्रण गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है। तो क्या राइट आंसर होगा, प्रतिचित्रण की बात की जा रही है, यहाँ सत्य नहीं की बात की जा रही है, तो क्या सही हो जाएगा,
यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी जो प्रतिचित्रण होता है ना, ये हमारे गणित पाठ्यक्रम का भाग ही नहीं होता, हम मैथ्स में कभी प्रतिचित्रण नहीं पढ़ते, इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 15 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से हमारे आज के जो क्वेश्चन थे मेरे पेडागॉजी के जो क्वेश्चन थे कम्प्लीट होते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन लग रहा है, डाउट लग रहा है, तो कमेंट करके अपने स्कोर साथ में अपनी जो प्रॉब्लम है, आपको जो क्वेश्चन आपको समझ में, वो क्वेश्चन नंबर मुझे बता दीजिएगा, ताकि आपको मैं कल की क्लास में वो उन क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपको अच्छे से पेन पेपर से सॉल्व करके समझा दूंगी। अभी आपको ऐसे स्क्रीन पे लिख के नहीं, आपको प्रॉपरली क्वेश्चन पेपर यानी पेन से सॉल्व करके आपको सॉल्व कर दूंगी, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और इससे रिलेटेड अगर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अदर क्वेश्चन, वो भी आपको समझा दूंगी। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना फीडबैक भी दे दीजिएगा। Thank you so much.